यादव के लड़की ऐसा नहीं कर सकती है, बिलोंग करते हैं तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र पे गाना गाते हैं, सब में वो यादव है ही नहीं। यादव नहीं है, नहीं है यादव। यादव अगर रहती तो यादव का एक मर्यादा होता है, लोग दादा कृष्ण के वंशज हैं तो उसका एक मतलब पर्दा, एक हर एक उसको कुत्ता नहीं, रोड पर का कुत्ता नहीं पूछता था। उस दिन हम स्टेज प्रोग्राम अनुपमा यादव का करवाए हुए हैं। अभी जो खेसारी भैया की जो बेटी के बारे में तेंगे तेंगे पर गाना गा दिया है, उनके लिए आपको कुछ कहना है? सबसे पहले बता दें कि अभी रात में, आज रात में ही मेरा ट्रेन है, हम दिल्ली जा रहे हैं, और उसको पकड़ के इतना मारेंगे ना कि फिर आजीवन कोई भी माई के लाल पैदा नहीं होगा जो ऐसा गाना फिर जीवन में कभी गाएगा। देखिए खेसारी भैया गाना गाया कि भौजी के लेंगे लेंगे, तो भौजी के लेंगे लेंगे तो अपना भौजी के बोले, पर्सनल है बात, इसमें दिक्कत किसको हो गया भाई? देखिएगा जेल में रहेगा 2 दिन के अंदर, सब कुछ हो गया है आप। अरे खेसारी लाल जिसका नाम है ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर है। जी तो भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी लाल से ही चल रहा है, 17 साल बीजेपी का सरकार रहा है, और 17 महीना में तेजस्वी भैया जितना नौकरी दे दिए हैं, संभव है बिहार में नहीं पूरा भारत में ही संभव नहीं है। हम लोग के भगवान है, हम लोग के घर परिवार सब पूजा करता है लालू यादव का। तो लालू यादव मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, सीधा बात, हम तो उसको जानते हैं कि यूट्यूबर है। जो बंदा आप सोच सकते हैं कि बिहार का बदनाम करके, बिहार को नीचा दिखा करके नाम फेम कमा रहा है, बिहार को तरक्की पे कभी ला सकता है? एक चीज बता दिया बीजेपी के सपोर्ट करते करते, लेकिन उसको मिला क्या घंटा? जब बीजेपी टिकट नहीं दिया मनीष कश्यप को, तो फिर से वो बोल रहा है कथी कि तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो हम लोग साथ में रह के काम करेंगे, शुरुआत हो जाए। अब मेरे भाई हैं ओम प्रकाश अकेला बिल्डरवा के पापा, वही गाए हैं गाना। अरे तो ओम प्रकाश क्या तेजस्वी भैया, मतलब अभी जो अति रैली चल रहा था उसमें लगातार वही गाना बज रहा था, हर जगह वही गाना बज रहा था। लालू जादो डर लो ना तेजस्वी न डरतौगे, अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़तौगे। नमस्कार दोस्तों, बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है, मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों आज मैं एक सिंगर से मिलाने वाला हूं जो वैशाली जिला का रंजन रिक्सी है, उनसे आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा और आज मैं उनसे बात करके आपको जो बताऊंगा। वो बहुत बड़े खेसारी लाल भैया का फैन है, खेसारी लाल यादव जी का वो बहुत बड़े फैन है और लालू यादव का भी, और उनका गाना बहुत ऐसे है जो यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते हैं, प्यार भी देते हैं। आइए मैं उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आज मैं आप तक वीडियो के माध्यम से जो है देते रहूंगा, तो आप बने रहे हमारे साथ और आइए मैं इनसे बात करता हूं। तो इधर में बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बिग ब्लॉगर को जितने भी लोग देखते हैं सबको मेरा प्रणाम है। कहिए जी, आपका अक्सर जो है हम गाना जो लोग देखते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कि आपका बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाना है, एक हाजपुरिया है जो सबसे ज्यादा वायरल है और काफी ज्यादा लोग जो उन पर रील्स भी बनाए हैं, और आपका जो बहुत अच्छा गाना मतलब लोग पसंद किए, प्यार दिए, तो आप इस गाने के बारे में थोड़ा आप अपना विचार दे दे तो जनता को तो बहुत बढ़िया होता। हम हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र पे गाना गाते हैं, तो हम भी अपने क्षेत्र पे गाना गा रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। बस सब भाई लोग का प्यार है, मेरे पब्लिक का ऑडियंस का प्यार है, चल रहा है। जैसे आपका कोई ऐसा और गाना हो जो नया फिलहाल आने वाला है? गाना तो एक पर एक है, बहुत सारा गाना आया भी है और आने वाला भी है बहुत सारा। देखिए इनका एक चीज और बहुत ज्यादा जो है, इनका प्यार जो है जो खेसारी लाल जी को और लालू यादव जी को, तो उनसे बारे में आज आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं। आपने एक ऐसा कोई बंदा को जो इंटरव्यू दिया था उसमें बताया था जो अनुपमा यादव के बारे में कुछ बोले थे, जो अनुपमा यादव यादव नहीं है, तो आप कैसे उनको जैसे बोल सकते हैं कि अनुपमा यादव यादव नहीं हो, तो यादव का टाइटल भी यूज करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करना है, नाम कमाना है, यादव टाइटल लगा लो जी, बस हो गया, नाम कमाइए ना। आपने अनुपमा यादव को बहुत ऐसा कहा कि वो यादव का बच्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपने बोला, इसके पीछे का कोई तो रीजन होगा ना? कोई रीजन नहीं है, असल में वो यादव है ही नहीं। यादव नहीं है, नहीं है यादव। यादव अगर रहती तो यादव का एक मर्यादा होता है जी, हम लोग दादा कृष्ण के वंशज हैं जी, तो उसका एक मतलब पर्दा, एक हर एक अथि में पर्दा होता है, तो यादव के लड़की ऐसा नहीं कर सकती है जी। कि एक बॉयफ्रेंड को रहते हुए किसी और के साथ, मतलब बहुत ऐसा बात है समझे, तो अनुपमा यादव बस यादव टाइटल लगा करके मार्केट में नाम कमा ली है। हम उसको उस दिन से जानते हैं जब उसको कुत्ता नहीं, रोड पर का कुत्ता नहीं पूछता था,
उस दिन हम स्टेज प्रोग्राम अनुपमा यादव का करवाए हुए हैं, जब क्या कहें महीना क्या साल में भी एक प्रोग्राम नहीं गाती थी, दिल्ली में स्टूडियो स्टूडियो भटकती थी, कोई नहीं पूछता था। कृष्णा बेदर्दी भैया हैं जो राइटर हैं खेसारी भैया के, उस सबूत में है, हम लोग साथ में रहते थे उस टाइम। तो दिल्ली से लेकर के कटिहार तक उसका प्रोग्राम हम करवाए हैं अनुपमा यादव का, कोई नहीं पूछता था। तो यादव टाइटल लगाई, मार्केट में आ गई और चल रहा है, मतलब यादव को बदनाम कर रही है, सीधा यादव को बदनाम कर रही है और सुपर स्टार भी माना जाती है स्टेज शो का, लेकिन फिर भी यादव लोग जो बदनाम कर रहे हैं। अच्छा एक बात और आपसे मतलब बात करना था, एक बंदा है कोई सिंगर है नया ना भी, जो खेसारी भैया की जो बेटी के बारे में तेंगे तेंगे पर गाना गा दिया है, उनके लिए आपको कुछ कहना है? सबसे पहले बता दें कि अभी रात में, आज रात में ही मेरा ट्रेन है, हम दिल्ली जा रहे हैं जी, और दिल्ली जा रहे हैं, उसका सब कुछ पता हमको चल गया है। वो लाइव आया था, बोला था कि हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन डिटेल नहीं दिया था कि दिल्ली में कहाँ रहते हैं जी। लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं और उसको पकड़ के इतना मारेंगे ना कि फिर आजीवन कोई भी माई के लाल पैदा नहीं होगा जो ऐसा गाना फिर जीवन में कभी गाएगा। उसका हर एक चीज पता हो गया, उसका राइटर कौन है, उसका पोस्टर कौन बनाया है, हर एक कौन स्टूडियो से गाया है, वो सब कुछ उसको पता हो गया है। अब बस हम लोग निकलने वाले हैं अपने टीम के साथ, जा रहे हैं, उसके बाद देखिएगा आप लोग भी लाइव आएंगे लाइव जी। तो खेसारी भैया के जो बेटी के बारे में जो गाना गाया, वो हमारे यादव समाज के लिए, भोजपुरी समाज के लिए बहुत ही गलत बात है, तो इनके लिए कुछ ऐसा बात बोलिए कि जो लोग अब नेक्स्ट गलती ना करें। देखिए खेसारी भैया गाना गाया कि भौजी के लेंगे लेंगे, तो भौजी के लेंगे लेंगे तो अपना भौजी के बोले, पर्सनल है बात, इसमें दिक्कत किसको हो गया भाई। बहुत सारा भोजपुरी में तो ऐसा ऐसा गाना है जो नाम पकड़ के, अब तक कोई नाम पकड़ के भोजपुरी में गाना नहीं गाता है, पहले लोग गाते थे पुजवा बदल गए ले तो ये वो, अब तो कोई नाम पे भी गाना नहीं गाता है जी। लेकिन ये लोग नाम कमाने के लिए कि खेसारी के बेटी पे गा देंगे, खेसारी पे गा देंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा, तो अब ऐसा संभव नहीं है। टीम पूरा पहुंच रहा है, हम लोग आ रहे हैं, बस आप लोग देखिएगा जेल में रहेगा, 2 दिन के अंदर सब कुछ हो गया है। आप लोग का जो सपोर्ट बना रहेगा, हम बिहार के लोगों का जो सपोर्ट बना रहेगा, खेसारी भैया के फैन का जो सपोर्ट बना रहेगा, तो हर काम मतलब उनसे जो लोग उनसे निगेटिव करते हैं उनको तो प्रभाव पड़ेगा ही। अरे खेसारी लाल जिसका नाम है ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर है, शेर माने भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब खेसारी लाल जी जी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी लाल से ही चल रहा है। खेसारी लाल एक वो अलग चीज है, कोनो कुछ कर लेगा, कोनो आवाज लगा लेगा, कोनो कुछ कहेगा कि हाँ सुर एजे से शुरू होला, तो फलानवा एजे से शुरू होला, ओकर दादा है भरत शर्मा कौन है, मैंने बहुत ऐसे कलाकार है, कितना का हम नाम बताएं। तो खेसारी लाल कोई नहीं बन सकता है, और खेसारी लाल से भोजपुरी अभी चल रहा है। बट ट्रेंडिंग स्टार ना है खेसारी लाल भैया, ट्रेंडिंग स्टार कहिए, ग्लोबल स्टार कहिए, जो स्टार मन है ना सब लगा दीजिए खेसारी लाल, भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब खेसारी लाल, बस इतना समझिए। अच्छा एक और गाना जो है अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लालू यादव न डर लो तेजस्वी न डर, तो ये गाना पे कुछ आप अपना बता दीजिए बयान, तो बहुत बढ़िया रहेगा। एकदम नहीं डरेगा, अब लालू यादव डरवे नहीं किए तो उनका लड़का डरेगा जी जी। आप पूरा बिहार को जो तरक्की की ओर ले जा रहे हैं तेजस्वी भैया, तो आप ही बताइए, सोचने वाली बात है, अभी 17 साल बीजेपी का सरकार रहा है और 17 महीना में तेजस्वी भैया जितना नौकरी दे दिए है, संभव है बिहार में नहीं पूरा भारत में ही संभव नहीं है। तो हम तो भाई आरजेडी के परिवार से हैं जी, लालू यादव का कट्टर सपोर्टर, भगवान है मेरे लिए लालू यादव, तो हम लोग के भगवान है, हम लोग के घर परिवार सब पूजा करता है लालू यादव का, तो लालू यादव हम लोग के लिए भगवान है, और जो कहेंगे वो लालू यादव हम लोग वही करते हैं, सीधा बात। एक एक चीज है और कि देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा खूब अपना जवाब जो दिया, आरजेडी के लिए फुल सपोर्ट कीजिए, अगर आप भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आरजेडी को सपोर्ट कीजिए। मनीष कश्यप के बारे में थोड़ा बोल दीजिए जो हमारे तेजस्वी भैया को विरोध में है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, सीधा बात, हम तो उसको जानते हैं कि यूट्यूबर है। मनीष कश्यप माने नाम फेम कमाने के लिए कहीं, माने जो बंदा आप सोच सकते हैं कि बिहार का बदनाम करके, बिहार को नीचा दिखा करके नाम फेम कमा रहा है, बिहार को तरक्की पे कभी ला सकता है? एक चीज और ना, जो मनीष कश्यप है जो बीजेपी के पार्टी में भी गए थे लेकिन उधर में कोई कुछ नहीं हुआ तो इधर फिर चले हैं, माने वो अपना पूरा उम्र बिता दिया बीजेपी के सपोर्ट करते करते, लेकिन उसको मिला क्या घंटा, ये बाद में जो घुमा दिया, तो फिर भी अब फिर से तेजस्वी के मतलब विपक्ष में खड़ा हो गए। सुनिए ना, वो पहले बोला था कथी कि मर जाएंगे अति हो जाएंगे लेकिन बाप माई के पार्टी में नहीं जाएंगे, मतलब आरजेडी के पार्टी में नहीं जाएंगे। जब बीजेपी टिकट नहीं दिया मनीष कश्यप को, तो फिर से वो बोल रहा है कथी
कि तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो हम लोग साथ में रह के काम करेंगे। तो वही बात है कि किसी का नहीं है, मनीष कश्यप किसी का नहीं, यूट्यूबर है यार वो तो बिहार खुद, आप लोग समझदार हैं, सब लोग जानवे करते हैं कि मनीष कश्यप बिहार को नीचा दिखा करके नाम फेम कमा रहा है। सबसे पहले वो आज तक का कॉपी किया अपना चैनल सच तक, आज तक वाला उसको इतना रिलाई किया, इतना स्ट्राइक भेजा उसके चैनल पे कि वो अपना चैनल के नाम चेंज कर दिया। तो किसका है, मनीष कश्यप किसी का नहीं है। अच्छा थोड़ा आप गाना गा के सुना दीजिए जो लालू यादव ने डालो तेजस्वी ने डालो, तो ही बोला तो हमारे लोग को जो अच्छा लगेगा आप अपने आवाज में गा दीजिए क्योंकि आप भी एक सिंगर है, तो लोगों को जो बहुत बढ़िया लगेगा आप अपने आवाज में गा देंगे तो। हाँ लालू यादव पे भी मेरा बहुत पहले गाना आया था जी, तेजस्वी भैया पे भी गाना आया है, अभी फिलहाल में भी एक गाना मेरा आने वाला है, जेलबे में भइल जेकर जनमा जाने जहानवा, लालू यादव मतलब इस टाइप का गाना है, अभी उतना दिमाग से उतरा हुआ है जी, और बहुत सारा गाना है मेरा। जैसे अभी एक जो गाना है ना अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन गाया था वो भोजपुरी का कोई गायकर है, वो भी लालू यादव का कट्टर सपोर्टर है, तो उनका ही है तो थोड़ा वो गाना गा देते है, गाना दूसरा का फिर भी गा देते थोड़ा तो बढ़िया लगता क्योंकि लोग जो है भोजपुरी में आपसे मिले हैं तो थोड़ा गाना में से भी शुरुआत हो जाए। अब मेरे भाई हैं ओम प्रकाश अकेला बिल्डरवा के पापा, वही गाए हैं गाना। अरे तो ओम प्रकाश अकेला जी बिल्कुल, हम भी नाम भूल गए थे भाई, लेकिन अभी भैया ने बताया थोड़ा और तो बढ़िया हमें लगा, लेकिन आप गा के थोड़ा सा सुना दीजिए, मस्त गाना है, हमें भी मतलब बहुत अच्छा लगता है दिल से, मतलब हम भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सुनते हैं वो गाना को। हम क्या आते हैं भैया, मतलब अभी जो अथी रैली चल रहा था उसमें लगातार वही गाना बज रहा था, हर जगह वही गाना बज रहा था, थोड़ा अपने आवाज में गा के सुना दीजिए, अच्छा लगेगा लोगों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। हरे लालू जादो डर लो ना तेजस्वी न डरतौगे, आय अब की आर जे डी पार्टी अकेले लड़तौगे। वाह क्या जवाब है, क्या लाजवाब गाना है भाई, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम फिर मिलेंगे आपसे और वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे हमारे ब्लॉग में, आपका बहुत धन्य धन्यवाद क्योंकि आपने इतना अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद दोस्तों, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हम हर एक प्रकार का जो वीडियो है इस ब्लॉग बिग ब्लॉगर के जरिए अब तक देते रहूंगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।